फाइनली फ्रेंड्स, आईफोन ने अपना आईफोन 16 लॉन्च कर दिया है एंड कल रात इसका लॉन्च इवेंट भी हो चुका है। काफ़ी नए नए फीचर्स के बारे में हमें पता लगा है, तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आ गए हैं। देखिए, आईफोन 16 के बारे में और 16 प्लस के बारे में आज हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, छोटी से छोटी जानकारी जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस फ़ोन की प्री बुकिंग 13 सितंबर को स्टार्ट होगी और इसकी जो डिलीवरी होगी वो 27 सितंबर को इंडिया सहित 19 और देश हैं उनके साथ में डिलीवरी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी काफ़ी टाइम है, तब तक आप पूरा अपना मन बना सकते हैं, सारे फीचर्स के बारे में पता कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें ये पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस 5 कलर्स के साथ में आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पांचों कलर कौन कौन से हैं, आपको जो भी पसंद आए वो आप ले सकते हैं। मुझे जो इसका ब्लू कलर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, आपको कौन सा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले देखिए आईफोन 16 एंड 16 प्लस के डिस्प्ले के बारे में। तो आईफोन 16 में यूज किया गया है 6.1 इंचेस का XDR रेटिना डिस्प्ले, जो कि आपको पता होगा आईफोन के डिस्प्ले कितने ज़्यादा बढ़िया होते हैं। वहीं अगर आईफोन 16 प्लस की बात करूं तो इसमें 6.7 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले यूज किया गया है। काफ़ी अच्छे डिस्प्ले हैं दोनों के साथ में। आईफोन 16 और 16 प्लस में बस बैटरी और डिस्प्ले का अंतर है, बाकी सारा कुछ सेम ही है। आईफोन देखिए थोड़ा साइज में अपग्रेडेड है, बाकी फीचर्स वगैरह सारे कुछ सेम ही हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं, इस फोन में भी आईफोन 15 की तरह आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा, जिसमें आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, म्यूजिक आगे पीछे, बहुत सारे अपग्रेडेड फीचर मतलब आपको दिए गए इस फोन के साथ में। और फ्रेंड्स, अगर देखिए इसके प्रोसेसर की बात करूं तो आईफोन जो 15 था उसमें A16 बायोनिक चिपसेट देखने को मिल रहा था, अब डायरेक्टली आईफोन ने अपग्रेड करके A18 बायोनिक चिपसेट दिया है, जो कि एक 6-कोर प्रोसेसर है, उसी के साथ में 3 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म इसका रहने वाला है। एंड ए प्रोसेसर जो है वो A16 से 2 गुना ज़्यादा फास्टर है, एंड आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी फ़ोन आने वाला है, उसके बाद जब यूज़ किया जाएगा उसके बाद ही सारे रिजल्ट पता लगेंगे कितना अपग्रेड है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी A18 बायोनिक चिपसेट आपको सारे फोन्स में आईफोन में देखने को मिलने वाला है। जो वहीं फ्रेंड्स, अगर कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलता है बैक में, उसके साथ में 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल देखने के लिए मिलता है और 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। फोटोज़ के मामले में इसमें थोड़े से अपग्रेड किए गए हैं इस बार आईफोन में, माइक्रो फोटोग्राफी आपकी अच्छी कर दी गई है इस बार, और जो भी सेंसर्स आपको कैमरे के दिए गए हैं सारे सेंसर्स ऑटो फोकस के साथ में काम करेंगे। वहीं आईफोन के जो प्रो एंड प्रो मैक्स वेरिएंट है उनमें आपको 120fps तक का सपोर्ट मिल गया है। वहीं अगर आईफोन 16 एंड प्लस की बात करूं तो दोनों में ही आपको 60fps का ही सपोर्ट अभी के लिए देखने को मिलता है, 4K 60fps, और जो प्रो एंड प्रो मैक्स हैं उनमें आपको 120fps तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर बैटरी की बात करूं तो आईफोन 16 में आपको 3561mAh का बैटरी, वहीं आईफोन 16 प्लस में आपको 4600mAh का बैटरी देखने के लिए मिलेगा। USB 2.0 का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब फ़ोन थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है चार्जिंग में, बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया गया है। टाइप सी का सपोर्ट आपके लिए देखने के लिए मिलता ही है, टाइटेनियम फ्रेम के साथ में आता है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। बैक में पूरी तरीके से लुक चेंज कर दिया गया है, पहले वाला आईफोन एंड अब वाला आईफोन आप देख सकते हैं दोनों के फोन्स, एंड आप जज कर सकते हैं कमेंट में कि आपको कौन सा आईफोन का लुक ज़्यादा पसंद आया, आईफोन 15 का या फिर 16 का, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जो प्रो एंड प्रो मैक्स वेरिएंट हैं उनका लुक सेम रखा गया है, उनमें कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बता दूं, iOS 18 का भी सपोर्ट आने वाला है आईफोन के अंदर, एंड जो नेक्स्ट अपना जो आईफोन 16 आ रहा है इसमें iOS 18 का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ही। वहीं देखिए जो पुराने फ़ोन्स हैं आईफोन 15, 14 वगैरह, उनमें iOS 18 का सपोर्ट आ जाएगा 16 सितंबर को, आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने आईफोन के वर्जन को। फ्रेंड्स, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, आईफोन में आपको SOS का सपोर्ट मिलता है। देखिए, आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली आपके नियर बाई सैटेलाइट से कनेक्ट कर देगा फ़ोन, एंड आपका जो फ़ोन होगा वो SOS मैसेज कॉल वगैरह, वीडियो कॉल वगैरह डायरेक्टली कर सकेगा। बस आपका फ़ोन है उसमें वाईफाई या फिर मोबाइल इंटरनेट चलता होना चाहिए, ऐसा आईफोन का दावा है। उसी के साथ में इसमें आपको एक्शन बटन देखने के लिए मिला है,
एक्शन बटन डायरेक्टली आपको बटन प्रेस करना है, आपका कैमरा चालू हो जाएगा। आपको जूम करना है, उंगली स्क्रॉल इस तरफ करनी है, जूम आउट करना है, उंगली स्क्रॉल इस तरफ करनी है, जो भी एक्शन बटन है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर आपके लिए भी होने वाला है एंड काफ़ी अच्छा फीचर ये मुझे भी लगा। किस किस को अच्छा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके साथ में इसमें आपको चैट जीपीटी का सपोर्ट मिल रहा है। चैट जीपीटी के थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख सकेंगे, काफ़ी कुछ पूछ सकेंगे, ये चीज़ मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। उसके साथ में आपके आईफोन 16 में कैमरे के काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर डाले गए हैं। AI का भी सपोर्ट लिया गया है आईफोन 16 में। आपको वीडियो एडिटिंग इफेक्ट्स वगैरह, वीडियो एडिटिंग में भी बहुत सारे फीचर डाले गए हैं। आप नए नए इमोजी बना सकते हैं, आपको कुछ टाइप करना है जैसे लाफिंग टाइप करना है तो आप जैसा भी चाहें वैसा लाफिंग इमोजी बना सकते हैं। आपके जो नोट्स वगैरह हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल फीचर आ चुके हैं। आप अपने नोट्स को डायरेक्टली वॉइस से अपने बना सकते हैं या फिर आप अपने नोट्स जो भी आपने टाइप किए हैं उनको आप वॉइस के थ्रू बुलवा भी सकते हैं। ये भी बहुत नए नए फीचर्स आपको आईफोन 16 एंड 16 प्लस जो भी वेरिएंट आ रहे हैं सारे फोन्स में देखने को मिलने वाले हैं। अब फ्रेंड्स ये तो मैंने सारी बात कर ली फीचर्स के बारे में, आपको आईफोन 16 और 16 प्लस का लुक कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। किस किस को पसंद आने वाला है, कौन कौन लेने वाला है आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। अगर फ्रेंड्स अब प्राइजिंग की बात करूँ तो प्राइजिंग देखिए आईफोन 16 की 128GB वाला वेरिएंट एक रखा है, एक 256GB वाला, एक 512GB वाला वेरिएंट रखा है। तो फ्रेंड्स मैं 128GB वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। तो इसकी जो कीमत आईफोन 16 जो भी US में रखी है वो है $799, आप इसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो प्लस वाला वेरिएंट है उसकी कीमत रखी है $899। अगर इंडिया की बात करूँ तो लगभग 80,000 से 90,000 रुपये में आपको आईफोन 16 देखने को मिलने वाला है। और जो प्लस वाला वेरिएंट है लगभग 1,00,000 रुपए के लगभग देखने को आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स कौन कौन लेने के इच्छुक हैं, देखिए अभी तो मैं इसे अवॉइड करने की कोशिश करूंगा या फिर आपको एडवाइस दूंगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा महंगा है। कोई भी सेल वगैरह आगे आती है तब आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है, तब आप इसे बाय कर सकते हैं। iPhone 15 के प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप होने वाले हैं बिग बिलियन डे सेल में, तो अगर आप iPhone 15 का मन बना रहे हैं तो आप iPhone 15 बिग बिलियन डे सेल में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उनसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से कर दूंगा। बाकी आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।